दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक को लॉन्च हुए तो कई दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे सवाल आते ही रहते हैं। तो ये आज का सवाल आया कि पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट अमाउंट कैसे जमा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जमा करना है और ऑटोमेटिक कैसे होता है। हालांकि कहने का तो पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुए बहुत दिन हो गए और अभी सारे डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का इशू आ रहा है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वीडियोज़ में दिखाया गया कि 14.5% इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो कुछ लोग का यहाँ कहना है 15% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तो कुछ लोगों ने तो हद ही कर दिया, यहाँ पे कहा है कि 18.05% मिलने वाला है। तो क्या है हकीकत, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको सिंपली मैं अपने पेटीएम में। तो यहाँ पे आप हकीकत देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट कैसे करना है और कितने इंटरेस्ट मिल सकते हैं आपको। तो चलिए इसे ओपन करने देते हैं और यहाँ से हम जाते हैं अगर बैंक में, तो यहाँ पे आपको डिजिटल डेबिट कार्ड जो मैंने ब्लॉक कर रखा है टोटल बैलेंस दिखाएगा। तो ये डिजिटल डेबिट कार्ड तो लॉक है मेरा, तो इसे इग्नोर करते हैं। नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटल बैलेंस, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर दूँ ऊपर, डिजिटल डेबिट कार्ड ब्लॉक है, नीचे टोटल बैलेंस दिखा रहा है 1040.31 पैसे। सेविंग अकाउंट दिखा रहा है आपको, यहाँ पे 901 रुपये था। और यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट 0 0 दिखा रहा है, पेटीएम वॉलेट में 139 है। मतलब पेटीएम वॉलेट अलग है, फिक्स्ड डिपॉजिट अलग है और पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है। तो और बाकी को सारे नीचे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं, चलिए यहाँ से इंटर करते हैं, 7.3% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये कह रहा है सीधा सीधे कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये से अधिक हो तो ऑटोमेटिक ये फिक्स डिपॉजिट जमा हो जाएगा, आप इसे फिक्स डिपॉजिट मैनुअली जमा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ कह रहा है। चलिए यहाँ से और भी अंदर चलते हैं, यहाँ पे चेक इसके फैक्ट्स, और भी अंदर चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे इसने टेबल दिया है और इसने सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसे आप जमा करते हैं 1 लाख रुपये से अधिक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे, आप मैनुअली फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ टेबल भी बनाया गया है कि आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 13 महीने या कितने महीने का आप जो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा उसके थ्रू। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो आपको नॉर्मली 4.3% इंटरेस्ट मिलने वाला है और आपका पेटीएम पेमेंट बैंक फिक्स डिपॉजिट किया गया है तो इसमें आपको 7.3% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट तो आप मैनुअली कर नहीं सकते, तो आपको 7.3% अगर इंटरेस्ट लेना है तो आपको 1 लाख रुपये से एक्स्ट्रा बैलेंस जमा करके रखना पड़ेगा। तो ये फंडा और बस यही था फिक्स डिपॉजिट के बारे में, समझ गए होंगे कि कैसे जमा हो सकता है फिक्स डिपॉजिट और कितना मैक्सिमम जमा करना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट के लिए। तो बस यही था, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो मैं देखिए सारा सेक्शन अलग अलग है, यहाँ वॉलेट अलग है, सेविंग अकाउंट अलग है, फिक्स डिपॉजिट अलग है, तीनों का सेक्शन अलग ही किया गया है। फिक्स डिपॉजिट आपको 1 लाख रुपये होने के बाद ऊपर आएगा, वो दिखाया जाता है यहाँ पे, और नॉर्मल आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक में है वो। तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं वहीं पे जहाँ हम आपको पीछे लेकर गए थे पेटीएम पेमेंट बैंक के फिक्स डिपॉजिट के साइड पे, तो ये वॉलेट से भी आ सकते हैं और यहाँ पे बैंक के थ्रू दिखाया गया है तो वहाँ से भी आ सकते हैं। और ये सारा आप अपने पेटीएम पेमेंट में पेटीएम के अंदर जाकर ये सभी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारे आपको मिल जाएंगे। तो यही था, बहुत ही आसान सा सवाल था और बहुत ही आसान सा जवाब था। होप कि आपके आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और बस ये आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियोज़ को पता रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।